अरे भैया आप तो गोलीबाज निकले, आपने बोला था स्ट्रेटजी लाओगे, इतने दिन हो गए, 10-12 दिन तो हमारे टर्म वन का एग्जाम खत्म हुए हो गए और अभी तक आपको स्ट्रेटजी नहीं ला। यार मैं सोच रहा था ले आऊं, फिर मैंने सोचा एक बार आप यूट्यूब का पूरा कवाड़ देख के आ जाओ, फिर ही आपको स्ट्रेटजी दूं, क्योंकि मुझे पता है आपने बहुत सी वीडियो देख ली होगी अभी तक कि ये करो ये करो ये करो और आप कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि क्या स्ट्रेटजी लेनी। तो यार मैं आपको एक ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटजी बता दूंगा कि उसके अलावा आपको जो जितना भी देख के आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपांशु सिंधिया। सबसे पहले आपने अगर अपने विनीत भैया का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो जाके देख लो, चैनल पर आपके लिए हमने विनीत भैया को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो आज से न्यूज़ वगैरह सब कुछ आप लोगों को दे रहे होंगे। यार अब बात करते हैं सीधा स्ट्रेटजी की। यार आपको पता है कि टर्म वन जो था एमसीक्यू एग्जाम था और आप लोगों को कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लगा है, बट टर्म टू आप लोग कभी से देते आ रहे हो, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है आप लोगों को। यार वो सब्जेक्टिव होगा, मेन बात ही है, तो सब्जेक्टिव की तैयारी अभी से हम स्टार्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। यार भैया हैंडराइटिंग बहुत खराब है और बोलते हैं कि बोर्ड में हैंडराइटिंग को देखते हैं। यार बिल्कुल सही बोलते हैं, हैंडराइटिंग को कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाती है बोर्ड्स में। तो आपको क्या करना है यार, आप एक रात में तो नहीं कर पाओगे, राइटिंग सुधार नहीं पाओगे, तो अभी भी जब भी आप अपनी आंसर नोट्स वगैरह कुछ भी बनाओ तो एक अच्छी हैंडराइटिंग में बनाओगे तो यार कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली ही अच्छी हो जाएगी। यार टर्म वन में मैंने खुद बोला था कि हैंडराइटिंग में ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट यार अब जरूरत है, क्योंकि हैंडराइटिंग भी कहीं ना कहीं मैटर कर रही होगी हमारे सब्जेक्टिव में। यार अब दूसरी बात कर लेते हैं, नोट्स वगैरह का क्या करना है। यार मेरा मानना है अभी आप नोट्स बनाते चलो, मैं तो नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, वन शॉट भी प्रोवाइड करवाऊंगा। आप लोगों को पता ही हमारी वन शॉट की जो स्टैट्स है वो कितना अच्छा है, आपके हिस्ट्री के टर्म वन के एग्जाम में, यानी कि एसएसटी के टर्म वन के एग्जाम में हिस्ट्री के जो सेक्शन था उसमें से 7 out of 6 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे वन शॉट से आए थे। यार ये आप सोच सकते हैं हमारी अचीवमेंट है, और जिन जिन लोगों ने वो हमारा वन शॉट देखा था उनको काफी फायदा हुआ था। तो आपको वन शॉट को लेकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है, मैं ज्यादातर सारी डिटेल्स कवर कर देता हूं वन शॉट में। तो वन शॉट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए हो गए, इसी चैनल पर मिल रहे होंगे तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो यार कर लो, इतनी मेहनत कर रहे हैं मैं और विनीत भैया आप लोगों के लिए। यार अब दूसरी बात आते हैं, भैया वो आप दे दोगे उसके साथ नोट्स भी दे दोगे तो हमें बनाने की क्या जरूरत है। यार जरूरत है, बिल्कुल है, जो आपके टीचर्स वगैरह स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स जरूर बनाओ। जो मैं नोट्स देता हूं एक तरह से आपका वन पेज नोट होता है, उसमें पूरी डिटेल्स इतनी डेप्थ में नहीं होती, बट उसमें भी डिटेल पूरी होती है, पर जो आपको डेप्थ डिटेल सब्जेक्टिव के लिए चाहिए वो शायद आपके खुद के नोट्स से ही होगी। जो वन शॉट के साथ नोट्स आते हैं उनमें यार इतनी डेप्थ में मैं नहीं जा पाता, अगर उनमें ज्यादा डेप्थ में चला गया तो वन शॉट बचेगा ही नहीं, वो वन शॉट 4-5 घंटे का हो जाएगा। बट मैं समझाता पूरा हूं, पर यार लिखने में ज्यादा डेप्थ हो जाती है, उनके लिए भी हम आपके लिए अलग से नोट्स ला रहे होंगे डेप्थ नोट। तो भैया हम क्यों बना, यार बना लो, बात समझो, बहुत फायदा देता है। यार अब एक और स्ट्रेटजी आपको इन बोर्ड्स के दौरान टर्म वन में आपने कितनी भी गलती कर ली हो बट टर्म टू में यूज करनी है, क्या लेट के नहीं पढ़ना। सर्दियों का मौसम है, रजाई सबको प्यारी है, मुझे भी बहुत प्यारी है, मैं भी रजाई में ही रहता हूं, पर यार मैं वीडियो बना रहा हूं ना रजाई से निकल के, मैं बेड पे बैठ के वीडियो नहीं बना रहा ना, तो आपको भी बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना। पेन पेपर उठाया, अपनी टेबल पे बैठे और हो गए स्टार्ट। और सबसे मेन बात यार, बुक नोट्स कुछ भी पढ़ रहे हो साथ में पेन पेपर होना चाहिए लिखने के लिए। यार आपको सब कुछ लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है इस बार हमें टर्म टू में, क्योंकि मचाना ही होगा। टर्म वन कैसा भी गया हो यार, टर्म टू में हम एम कर रहे होंगे फुल आउट ऑफ फुल 40 में से 40 या 35 में से 35, अगर कोई एग्जाम हमारा 35 का है। तो यार तो ये हमारी 3-4 बातें हो गई है जो आपको बिल्कुल मस्ट है फॉलो करनी। भैया यार ये पेन वैन के चक्रों में मत पड़ो कि जेल बोल, यार आप जिस पेन से भी अच्छी हैंडराइटिंग निकाल सकते हो ना वो पेन यूज करना यार। और सब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं पेपर की डेकोरेशन भी थोड़ी बहुत मैटर करती है, तो इसलिए मैंने बता दिया कि आपको हैंडराइटिंग अच्छी रखनी है। डेकोरेशन मतलब ये नहीं कि आप 4-4 पेन लेके आप बोर्ड में जा रहे हो, ब्लू ब्लैक पेन से लिखने की हैबिट डाल लो, थोड़ा अच्छा लगता है बोर्ड एग्जाम में। ये भी एक मेरी तरफ से आप सोच सकते हो या समझ सकते हो, एक टिप है आप लोगों के लिए। यार अब आपको खुद के भी वन पेज नोट बनाने, अरे भैया इतना काम बता दिया यार, टाइम भी बहुत है और आराम से हो जाएगा। यार वन पेज नोट्स आपको कैसे बनाने, मैं वन पेज नोट भी प्रोवाइड करूंगा बता दिया, बट आपको खुद के भी बनाने, वो कैसे बनाने,
जैसे आप क्लास से आए, आपने अपने हैंड रिटन नोट्स आपके वहां क्लास में सर वगैरह दे भी देते, आपने खुद से हैंड रिटन नोट्स बना लिए। जैसे ही हैंड रिटन नोट्स आपके बन गए, आप घर पे आके जब हैंड रिटन नोट्स पढ़ो तो पढ़ते पढ़ते आपके हाथ चलने चाहिए, आप साथ साथ लिखते रहो ना यार, वो एक पेज में आपको पूरा चैप्टर सम अप हो जाएगा। और यार फिर बता दूं, रीडिंग खाली हमें कभी भी नहीं करनी, क्योंकि जो हमारा देखने का टाइम होता है ना, वो कंसेंट्रेशन कहीं ना कहीं कमी होती है, लिखने का कंसेंट्रेशन हमारा ज्यादा होता है। तो जब भी आप रीडिंग करो तो साथ साथ लिखना जरूर है, हाथ चलते रहने चाहिए यार, जो डे ड्रीमिंग करते हैं ना वो कम हो जाएगी। अरे भैया ये सब फॉलो करना है यार, बिल्कुल फॉलो करना है, कोई इफ एंड बट नहीं चलेगी इन चीजों में। बाकी आपको मैथ साइंस में क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, एसएसटी में क्या टाइम टेबल फॉलो कर, सब कुछ बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, वीडियो सब रेगुलर आएगी। सॉरी यार 10-12 दिन का गैप हो गया था आपके लिए, हम विनीत भैया को जो ढूंढ रहे थे इसलिए थोड़ा गैप हो गया था, अब विनीत भैया जुड़ चुके, अब बिल्कुल भी गैप नहीं आने वाला यार। न्यूज़ के लिए आप विनीत भैया को फॉलो कर सकते हैं, वो न्यूज़ डाल रहे हैं चैनल पर, उनका इंस्टाग्राम भी नीचे आ रहा होगा। यार आपको पता है आपके भैया का तो हमेशा अवेलेबल ही रहता है इंस्टाग्राम, तो नीचे से इंस्टाग्राम देख लीजिए, और कोई भी क्यों रही हो, कुछ भी पूछना हो यार सीधा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। यार सैंपल पेपर अगर आप लोगों को कोई अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, फिलहाल तो कोई सैंपल पेपर अवेलेबल नहीं है, जैसे ही अवेलेबल होते हैं आपका भी आपके लिए पीडीएफ वगैरह दे देगा यार, परचेज करने की जरूरत नहीं है, परचेज भी करना चाहो तो बेस्ट सैंपल पेपर बता दूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। यार इस वीडियो में इतना ही, बाय, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ दीपांशु सिंधु, बाय।